नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल 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 इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये इसका फुल फॉर्म। कोई पूछे नेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर कोई पूछे कि क्या नेट 24 घंटा अलाउ है, तो कहेंगे हाँ। इसका टाइमिंग जो है दोस्तों, इसका टाइमिंग जो अब है, ये पहले तो 8 बजे से 7 बजे तक शायद होता था, मुझे नहीं पता, लेकिन राइट नाउ प्रेजेंट टाइम में क्या है ये बता सकता हूँ। 2019 से इसका टाइमिंग जो हुआ, टाइमिंग 24x7 मतलब 24 आवर्स अवेलेबल है, नेफ्ट 24 घंटा कर सकते हैं 2019 से, ये हो गया। और दोस्तों आपको बता दूं पॉइंट, जो आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस हमारा 2020 से 24 घंटा अवेलेबल हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब देखो इसका कोई पूछे कितना लिमिट है मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप कहिएगा इसका जो लिमिट है मिनिमम मिनिमम नो लिमिट नो नो लिमिट नो लिमिट मिनिमम नो लिमिट और मैक्सिमम मैक्सिमम कहेंगे आप नो लिमिट। जबकि हमारा आरटीजीएस था जो जबकि हमारा आरटीजीएस था मिनिमम 2 लाख से कम नहीं कर सकते आरटीजीएस, लेकिन जो नेफ्ट है हमारा इसका मिनिमम कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। और दोस्तों देखो, हमारा जो आरटीजीएस था केवल केवल इंडिया में ही चलता था, आरटीजीएस हमारा केवल केवल आरटीजीएस चल मतलब ओनली इंडिया में चलता था, लेकिन क्या ये नेफ्ट हमारा कहीं और किसी देश में चल सकता है? हाँ, आप कहेंगे हाँ, लेकिन लेकिन देखो क्या है अंतर, केवल ये नेपाल में ही नेफ्ट किया जा सकता है, एक ये वन वे होता है। ठीक है, ये सारे जानकारी देखो, एक चीज और पहले मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी इस वजह से इसका जो ईयर था दोस्तों, ईयर जो था ये कब से आया, नेफ्ट कब से आया, 2005 से। ठीक है, इसका ईयर जो है 2005 है। और एक चीज ध्यान देना, ये जो नेफ्ट होता है हमारा ये बैचेज में होता है दोस्तों, ये बैचेज में होता है, जो नेफ्ट हमारा होता है बैचेज में पाया होता है। बैचेज क्या होता है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बैचेज क्या होता है। कभी कभी आप देखते होंगे जब हमारा पैसा, अभी हम मान लो नेफ्ट किए, हमारा नेफ्ट करते समय, अभी मैंने मान लो अभी नेफ्ट किया, अभी हम नेफ्ट जो भी NEFT नेफ्ट किया, तो हमारा पैसा 2-3-4 घंटे के बाद पहुंचता, शाम तक भी लग जाता, क्यों ऐसा फंस जाता, कभी कभी तुरंत करते हैं नेफ्ट तुरंत पहुंच जाता है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। देखिए जो जो मैंने आपको से बताया कि क्या नेफ्ट किसी और देश में कर सकते हैं, हाँ आरटीजीएस केवल इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन नेफ्ट हम इंडिया से नेपाल में भी कर सकते हैं, नेपाल। लेकिन क्या नेपाल से आप इंडिया में कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, गलत। अगर कोई पूछे, ये वन वे होता है, इंडिया से नेपाल जा सकता है, लेकिन वो भी नेपाल से इंडिया में नहीं जा सकता, इसके लिए कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है दोस्तों, एक था हमारे पास इंडो नेपाल एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों क्या हुआ था इस एग्रीमेंट में कि आप नेफ्ट नेपाल में, जो कोई व्यक्ति इंडिया में है, मान लो कोई व्यक्ति गरीब है,
कोई व्यक्ति नेपाल का आया है, इंडिया में है, उसके पास कोई अकाउंट नहीं है, वो नेफ्ट करना चाहता, तो मैक्सिमम वो 50,000 ही NEFT नेफ्ट कर सकता है, ठीक है, केवल मीन मैक्सिमम 50,000 कर सकता है नेफ्ट, इससे ज्यादा अगर 60 भी हो जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अभी बताते हैं, देखो 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ये एक साल में एक ईयर में केवल 12 ट्रांजेक्शन कर सकता है, एक साल में 12 ट्रांजेक्शन कर सकता है, एक साल में 12 ट्रांजेक्शन करेगा 50,000 से ज्यादा नहीं, तो 12 × 5 = 60, ठीक, ये इतना कर सकता है, इतना कर सकता है। और देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ है दोस्तों, कुछ चेंज हुआ है इसमें नेफ्ट में, कि अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग चला रहे हैं, तो नेफ्ट के थ्रू आप इंडिया से नेपाल 2,00,000 भी भेज सकते हैं, 2,00,000 भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कनेक्ट है तो आप नेफ्ट जो है एक बार में 2,00,000 भी कर सकते हैं। चलिए देखिए और बताते हैं, और मैंने ये तो डिस्कस कर लिया आपके, एक साल में 12 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्या अगर हम इंडिया में करना चाहें नेफ्ट एक बार में 50,000 से, हाँ कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन देखिए अगर मेरा अकाउंट मान लो SBI में, मेरी माता का अकाउंट मान लो SBI में, और मुझे मुंबई से नेफ्ट करना है उनका लखनऊ में अकाउंट, SBI का कहीं भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा SBI में अकाउंट नहीं है, जैसे SBI में है मेरा माता जी का अकाउंट, तो मुझे नेफ्ट करना है, तो क्या हम 50,000 से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? देखो अगर मेरा अकाउंट SBI में है, और SBI में हमें नेफ्ट करना है, तब तो मैं कर सकता हूँ 50,000 तक जो भी करना है कर सकते, कोई नहीं उसका, ठीक है। लेकिन अगर हमारा अकाउंट SBI में नहीं है, और हमें SBI में नेफ्ट करना है, तो हम उसका 50,000 से ज्यादा नेफ्ट नहीं कर सकते, 50,000 से ज्यादा हम नेफ्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर है अकाउंट तो हम कर सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो। और ये मैंने डिस्कस किया आपके सामने कि बैचेज, मैंने बताया ये बैचेज क्या होता है, देखो जैसे रात की समय होता है 12:01, 12:01 पर और 1:01 12:30 तक इसका बैचेज होता है, जैसे 12 फिर उसके बाद बैचेज शुरू होता है 12:30 पे ये आ जाएगा 1:01 तक, ये सारे बैचेज होते हैं जो कि 48 बैचेज होते हैं ऐसे बने होते हैं। तो ध्यान देना क्या है बैचेज का मतलब, देखो अगर कोई व्यक्ति मान लो इस बैच में पैसा करता है, कुछ भी इसका लिमिट होता है, ये पता नहीं कितना लिमिट है इसका, इस बैच में कोई व्यक्ति पैसा ट्रांसफर किया, ये बैचेज जितना भी लिमिट होगा उस बैचेज का कितना इसमें पैसा आएगा उसके बाद सबके अकाउंट में चला जाएगा। तो मैंने मान लो पैसा 25,00,000 का, 30,00,000 का जो भी है, 20,00,000 का इसका लिमिट है, तो कोई व्यक्ति जब 12:01 पे रात में करेगा और 12:30 तक करेगा जो भी नेफ्ट करेगा, वो सारे अकाउंट जब ये इसका लिमिट 20,00,000 है भर जाएगा, तो वो सबके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन देखो जब ये भर जाता है कोई व्यक्ति उसी टाइम करता है तो दूसरा बैचेज स्टार्ट होता है, जब ये भर जाता दूसरा बैच स्टार्ट होता तुरंत, तो वो पैसा डिले हो जाता है। वो पैसा क्यों डिले हो जाता है? क्योंकि देखो ये बैच तो भर गया, अब जब तक ये बैच भरेगा नहीं तब तक उसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए जो नेफ्ट करते समय डिले हो जाता कभी कभी इसी बैचेज की वजह से होता है। दोस्तों आई होप आपको जितना भी मैंने नेफ्ट के बारे में डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।